मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदार घाटी में अतिवृष्टि के चलते हुए नुकसान, रेस्क्यू एवं बचाव कार्यों के साथ साथ यात्रा को दोबारा शुरू करने को चल रही तैयारियों की समीक्षा के करने रुद्रप्रयाग पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अतिवृष्टि को लेकर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभागों को यात्रा शुरू करने के लिए उनके स्तर से किए जा रहे प्रयासों एवं तैयारियों की जानकारी ली। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड समय में 12,000 से अधिक यात्री एवं स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू अभियान लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्गों पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार भी पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। केदार घाटी की जो ये आपदा हुई है, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। 29 स्थानों पर, छोटे बड़े 29 स्थानों पर सड़क का संपर्क मार्ग कट गया है और सबसे ज़्यादा भूस्खलन बीच में हुआ है, जहां पर 150 मीटर से ज़्यादा रोड पूरी बह गई है। लेकिन हम तत्काल भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सभी अधिकारी, जिला प्रशासन के लोग, हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, पंडा समाज, परोही समाज, धार्मिक संगठनों के लोग, हमारे सभी सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिलकर, व्यापार मंडल के लोगों ने, इस समय पंचायत के प्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर इस आपदा में काम किया है। और उसके कारण से जो बड़ी आपदा होने के बाद भी लोगों को बचाया जा सका है, लोगों का रेस्क्यू अभियान पूरा किया जा सका है। और अब हमारा पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी फिर से केदार घाटी सामान्य हो। केदार घाटी में जो यात्रा अगले आने वाले 10-15 दिनों में, चूँकि मौसम ठीक हो जाएगा और मानसून भी अपने अंतिम चरण में होगा,